नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रशासन ने विरोध का सामना कर बुलडोजर से हटाया अवैध अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन के धक्का मुक्की नोक झोंक। नगर वासियों का आरोप, अधिशासी अधिकारी द्वारा बगैर सूचना हटाई गई अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहेगा, उपजिलाधिकारी। शासन के मंशा अनुसार नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मार्गों, सार्वजनिक मार्गों की पटरियों तथा नालियों पर किए गए अतिक्रमण कार्यों को हटाने का कार्य उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अमवार मोड़ से शुरू हुआ। कोतवाली के सामने दुद्दी बस स्टैंड सहित प्रमुख स्थानों के आसपास हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। करीब 3 घंटे तक चले अभियान के दौरान मुख्य मार्ग पर आवागमन रुक रुक कर चलता रहा। नगर वासियों का आरोप था कि अतिक्रमण मनमाने तरीके से हटवाया जा रहा है। इस दौरान नगर वासियों द्वारा प्रशासन से धक्का मुक्की भी करते देखा, जहां प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय दिया और अपना कार्य करते रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जिसे शुरू हुई, कुछ नगर वासियों में स्वयं अपना अतिक्रमण भी हटा लिया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का कार्य आगे भी जारी रहेगा। मुख्य मार्ग से दोनों तरफ 50 फीट अंदर तक अतिक्रमण है, आवश्यकता पड़ने पर उसे भी डैमेज किया जाएगा। वहीं नगर पंचायत स्थानीय निवासी भाजपा नेता सूरज देव सेठ ने कहा कि आज जो बाबा का बुलडोजर चला है, वह अवैध अतिक्रमण को लेकर चला है, लेकिन नगर प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर प्रशासन द्वारा जो सड़क के दोनों किनारों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगाया गया था, उस सीमा से ज्यादा सीमा तक बुलडोजर चला, जिससे नगर वासियों में काफी आक्रोश है। वहीं नगर वासी सुमेर मदेशिया ने कहा कि नगर पंचायत में जो चल रहा है, वह गरीब व कमजोर लोगों पर चल रहा है, जिन्होंने नगर पंचायत की मीठा स्टेट की भूमि, कादी हाउस, हाथी हाउस व सरकारी भूमि आदि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर व्यापार कर रहे हैं। इस दौरान तहसीलदार ब्रजेश वर्मा, अधिशासी अधिकारी भारत सिंह, प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर शेषनाथ पॉल, संजय सिंह सुरक्षा कर्मियों के साथ रहकर जनता के काफी तल्खी के बीच शांति व्यवस्था कायम की। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमेर प्रसाद गुप्ता। जैसे कि आज दुद्दी मुख्यालय पर बाबा का बुलडोजर चला है, क्या मामला था और क्या इसके मानक थे? मामला बुलडोजर चला वो सब ठीक है, लेकिन आम जनता का रोष भी है कि पहले जो अतिक्रमण किए हैं सरकारी जमीनों पर, पहले उसको हटाया जाए, जो बिल्डिंग बना करके छत ढाल करके लोग हैं, और जो यहाँ का हाथी खाना है और क्या बोलते हैं कानून का मामला है, ये सब पहले उनको देखना चाहिए, तब छोटे वर्ग को झुग्गी झोपड़ी हटाना चाहिए। क्योंकि योगी जी की सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त माफियों को लगातार कार्रवाई हो रहा है, तो दुद्दी नगर पंचायत में ये बातें आती हैं कि यहाँ पर सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण, सरकारी है। जमीनों पर जो कब्जा किए हैं, जो बिल्डिंग बना करके रह रहे हैं कई सालों से, तहसीलदार और SDM से मिली भगत के वजह से, इसलिए जनता में रोष है। तो क्या लगता है, जैसे जो पहले वो हटाया जाए, फिर यहाँ के लोगों को अतिक्रमण नाली पर से हटाया जाए। आखिर ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, जो लोग अस्थायी रूप से निर्माण कार्य किए हुए हैं? ये अधिकारी से मिली भगत हैं और रिवाल्वर लोग दिखाते हैं, पत्रकारिता का भी धमकी है और मतलब अपने आप को दबंग है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।